ज्यादा वफादारी ना दिखाए। आपको पता है कि आप सभ्य सभ्य में सबसे ज्यादा आप जो है ना जिनके बलबूते पर आप यहाँ आए हो, जिनके बलबूते पर आप यहाँ आए हो उन पे नाजा मत हो जाओ, उन पे नाजा मत हो जाओ। आप कभी फिर यही अंजाम होगा, आप नाजा न हो जाओ जनाब स्पीकर। ये इतना वफादार बनने की कोशिश ना करो। जेर साहब तशरीफ रखे। यहाँ तक कि उनको जो धमकियाँ मिली थी कि हमें फला फला कुतों से खतरा है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इनके पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ चल रहा था, स्पीकर मुझे जरा बात, आप ज्यादा वफादारी ना दिखाए। आपको पता है कि आप सभ्य सभ्य में सबसे ज्यादा आप जो है ना जिनके बलबूते पर आप यहाँ आए हो, उन पे नाजा मत हो जाओ, आप कभी फिर यही अंजाम होगा, आप नाजा न हो जाओ जनाब स्पीकर। ये इतना वफादार बनने की कोशिश ना करो। जेर साहब तशरीफ रखे। तशरीफ रखिए। दुमर साहब करारदाद की तरफ आते पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ था बाकायदा पार्टी, उन पे नाजा मत हो जाओ, आप कभी फिर यही अंजाम होगा, आप नाजा न हो जाओ जनाब स्पीकर। जेर साहब तशरीफ रखे। जेर साहब दुमर साहब तशरीफ रखे। दुमर साहब करारदाद की तरफ आते हैं। के अंदर जो इख्तलाफ था बाकायदा यहाँ तक धमकी दी गई थी। भाई वफादारी की बात नहीं, आप बात तो करने दे जनाब स्पीकर। इनको आप बिठा दो, ये बड़ा वफादार बनने की कोशिश कर रहा है। ये आप वफादारी मत दिखाओ। आप एक दफा एमपीए बने हो, आप एक दफा आपने पैसे लेकर जेर साहब खून पे सियासत मत करो, किसी की खून पे सियासत मत करो, किसी के बच्चों पे सियासत मत करो। आ जाओ जरा वो चीज मैं नहीं, आप करारदाद पर बात करना चाहते हैं, इसी करारदाद पर। देखिए सना बलोच साहब, देखिए करारदाद जो है वो हाउस की प्रॉपर्टी है, उस पर जो है हर किसी को बात करने का हक है। करारदाद भी आप लोगों की तरफ से पेश हुई। अगर मैं ओपोजिशन या ना वो गलत नसुल्ला यो मिनट जनाब स्पीकर, जनाब सना बलोच साहब, जनाब स्पीकर जहूर जनाब स्पीकर, नसुल्ला खान सर, नसुल्ला जनाब स्पीकर, आप इनको खामोश करें। आप ऑर्डर तो
सबसे पहले हाउस में ऑर्डर तो करवाएं, हाउस में ऑर्डर तो करवाएं, हाउस में ऑर्डर तो करवाएं जनाब वाला। देखिए आप ऑर्डर तो करवाएं, आप तशरीफ रखे, आप भी, आप लोग भी तशरीफ रखे। देखिए देखिए जनाब, जनाब स्पीकर, देखिए जनाब स्पीकर, मैं देखिए जनाब स्पीकर, हमारे जो भी मुअज्जज रुकन असेंबली चाहे पोजीशन से है, हमने एक रुकन असेंबली ने करारदाद पेश की, उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी पे, एडमिसिबिलिटी पे बात की, वहाँ से दो अराकीन ने इसके बारे में जवाब भी दे दिया। इसके बाद एजेंडा है, हम तफसील से बात करेंगे। ये उस्मान काकड़ की शहादत वाला मसला, ये ऑलरेडी उस एजेंडे में शामिल है। बाकी जो मुअज्जज अराकीन इस पर बात करना चाहेंगे बाद में बात करेंगे। ताजियती ताजियती करारदाद है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ताजियती करारदाद को मंजूरी के लिए पेश करें, उसके बाद जितनी भी उनके उनके दिल में साहब, करारदाद जब आ जाता है, टेबल हो जाता है, वो हाउस की प्रॉपर्टी होती है। मैं किसी भी मेंबर को जो है करारदाद है जी, ताजियती करारदाद में अब वो गवर्नमेंट के मेंबर इस पर बात करना चाहते हैं या गवर्नमेंट के मेंबर ताजियती करारदाद को मुतनाजा बनाना चाहते हैं। सर देखें, एक एक शख्स जिसको पूरे बलोचिस्तान के अवाम ने, मैं सर आता हूँ, देखें अभी उस्मान, तक जो उस्मान काकड़ साहब ने बात भी की, करारदाद की बात की, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, हम भी देखें, हम भी करारदाद पे बात नहीं कर रहे हैं। उस्मान काकड़ को खुदा जन्नत तसीब करे, करारदाद के हवाले से अभी हम इस पे ताजियती करारदाद पे बात नहीं करेंगे, जो एजेंडे में शामिल है उस पे हम बात करेंगे। इसीलिए ताजियती करारदाद की अहमियत, जनाब देखिए बात कर रहे हैं, देखिए मैं, मेरी बात खत्म नहीं हुई, इनको जरा खामोश करवाएं, पहले तो खामोश।